मैं जहां तक भी जाए छोड़ दो, छोड़ दो, आगे फेंक दो बस आप हाथ मार के। मेरठ में रामायण के राम व सांसद अरुण गोविल को रावण दहन करना था। उन्होंने तीन बार तीर चलाए लेकिन तीनों बार निशाना चूक गया और रावण को तीर नहीं लगा। आखिर में सांकेतिक रूप से अरुण गोविल ने तीर छोड़ी और आयोजकों ने रावण के पुतले में आग लगाई। आपको बता दें, मेरठ के कैंट के भैसाली मैदान में रावण का दहन होना था। राम के रोल में सांसद और पर्दे के राम अरुण गोविल पहुंचे। पंडाल में पहुंचते ही जय जय श्री राम के जयकारों से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद अरुण गोविल को रावण के पुतले के सामने थोड़ी दूरी पर बने मंच पर ले जाया गया। यहां अरुण गोविल ने रावण को मारने के लिए तीर चलाया लेकिन निशाना चूक गया। दूसरी बार भी कोशिश की लेकिन लक्ष्य नहीं भेद सके। तीसरी बार भी मुस्कुराते हुए धनुष तानी और मानो अब की लक्ष्य भेद ही देंगे, लेकिन फिर निशाना चूक गया। आखिर में आयोजकों ने कहा कि आप सांकेतिक रूप से धनुष बाण चलाएं। फिर अरुण गोविल ने ऐसा ही किया, तीर छोड़ी जो कुछ ही दूर जा गिरी। इतने में दूसरे लोगों ने रावण के पुतले में आग लगा दी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।